हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी भाई का मेरे डीजे सेटअप पर स्वागत है। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज बनाने वाले हैं हम एम्पलीफायर। भाई की कमेंट्स आ रही थी, पूछ रहे थे कुछ भाई मेरे, तुमने कैसे बनाया है ये एम्पलीफायर और इसमें क्या लगाया है। तो भाई आज वो सारी चीज़ हम इसमें बताने वाले हैं, किस तरह हमने एम्पलीफायर बनाया है और इसके अंदर कौन सी हमने प्लेट लगाई है। वीडियो बने रहे और देखें किस तरह हमने इसको बनाया है। वीडियो के अंदर सारी चीज़ की जानकारी दी गई है और आपकी इसके अंदर कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप भी चाहें तो आप भी आसानी से घर पर इसको बना सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है ये। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं कंपोनेंट्स, वो आपके सामने हैं। ये अपनी है चार्जिंग प्लेट, ये वॉल्यूम है, और भाई इसके बाद में है ये अपनी बीटी प्लेट और एक सेल। ये है अपना एम्पलीफायर 3110। इसमें 15 वाट अपने 30 वाट तक स्पीकर आराम से चला सकते हैं, बेहतरीन वाले। और दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें और देखें किस तरह ये बनाया है। हम आप ही के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। फ्रेंड, थोड़ी वीडियो करते हैं फास्ट, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये लगाने वाले हैं हम चार्जिंग के लिए। इसमें हम लगाएंगे चार्जिंग, जिससे कि हमारी बीटी प्लेट को चार्जिंग मिलेगी, सेल चार्ज होगा इससे हमारा। तो आप भी चाहें तो या चार्जिंग के अलग से एक पत्ता लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, या फिर आपके पास में कोई ख़राब बीटी प्लेट हो तो उससे भी अपने चार्जिंग चला सकते हैं अपनी एम्पलीफायर के अंदर।
बटन देख सकते हैं, बाकी सब इसमें हो गया है सेट। अब इंस्टॉल करनी रही है हमें अपना एम्पलीफायर प्लेट, और इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर स्पीकर के कनेक्शन, और भाई वो सही से आप देख कर लगाना माइनस प्लस, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम बन जाएगी इसके अंदर, क्योंकि ये चाइनीज़ का लेट है। फ्रेंड्स स्पीकर के कनेक्शन लगे हैं, इसके बाद लगेंगे इसमें अपने वॉल्यूम के कनेक्शन, और भाई वॉल्यूम के कनेक्शन ऐसे होंगे बीटी प्लेट के लगेंगे फ्रंट पर राइट, और पीछे वाला इसके इसी के पीछे वाला होगा लेफ्ट, इसी तरह लगेंगे उसके कनेक्शन अपने एम्पलीफायर के राइट लेफ्ट देखकर लगा देना। और एक साइड होगी इसकी ग्राउंड, इसमें अपने दोनों कनेक्शन देने हैं इसके अंदर बीटी प्लेट और एम्पलीफायर का दोनों ग्राउंड कनेक्शन, ठीक है भाई। दोस्तों बहुत ही आसानी से ये कनेक्शन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप वीडियो पूरा देखें और आसानी से इसमें अपने लगा सकते हैं कंपोनेंट्स। फ्रेंड देख सकते हैं आप बनकर हो गया है अपना एम्पलीफायर रेडी, और अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं इसमें कितनी पावर है एम्पलीफायर में, और भाई आप भी बताना कैसी लगी वीडियो, हल्का बात करके देख लो। तो फ्रेंड्स कैसे लगी हमारे एम्पलीफायर की टेस्टिंग, और भाई अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।